पालन करते हुए यहाँ के बच्चे आगे भी इसी प्रकार से टूर्नामेंट करेंगे। मैं राह देख रहा हूँ कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जो बड़ी अच्छी खासी कीमत है वो पॉकेट में भरी जा रही है, तो उसके लिए थोड़ी देर हो रही है। बाकी अगर रवि साहब चाहते तो थोड़ा भाषण करके थोड़ा मनोरंजन करते यहाँ के बच्चों लोगों का, जो उन्होंने वक्त बिताया रवि शास्त्री और मंडली के साथ। तो अगर उनका विचार हो तो माइक का अधिग्रहण मनोरंजन करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं उनसे मनोरंजन देखने आया था इधर क्रिकेट का, स्कूल से लेके कॉलेज के जमाने तक हम लोग क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व थे। मेरा सौभाग्य था कि मैं बहुत जगहों पे घुमा हूँ, जैसे बेलगाम, पंजाब, दिल्ली, आसाम, बेंगलोर, और जब बॉम्बे में जब मैं मुंबई में जब आया क्रिकेट की ये हमारे नस-नस में हम लोग फैल गया था और क्रिकेट पे ही बहुत कॉन्सेंट्रेट किया था। मुझे याद है जब हम लोग गिरगांव के चाली में रहते थे तब हमारे पास 400 रुपए भी नहीं थे क्रिकेट का बैट या बॉल खरीदी करने के लिए, और कुछ कैंप्स या कुछ नेट्स जो हम लोग जो कोचेज ऑर्गेनाइज करते हैं वो नेट्स के पैसे भरने के लिए हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे तब। तब मुझे याद है कि एक बार सिर्फ 1400-1500 रुपए का एक कैंप था जिसमें मुझे एनरोल करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मैं भर नहीं पाया, तो मैं 2-3 दिन घर छोड़ के चला गया था। फिर वापस जो मेरा जो बैकग्राउंड था स्कूल में, जो मेरा वैसे बताता हूँ कि मैं स्कूल विल्सन हाई स्कूल से किया हूँ गिरगांव में, और कॉलेज भी विल्सन से किया हूँ, विल्सन हाई स्कूल जो चौपाटी पे, विल्सन कॉलेज जो चौपाटी पे है। तो हमारे कोच जो थे उनका नाम भी डी बी जाधव भी था, वो हमारे सीनियर थे, और हमारे साथ तब उस समय चंद्रकांत पंडित, बलविंदर सिंह संधू, ये जरा हमारे से सीनियर्स थे, मगर उनका गाइडेंस हम लोग को बहुत मिलता था, उनके मार्गदर्शन में हम लोग को खेलने का मौका मिला। मुझे याद है हम लोग जब हिंदू जिमखाना में खेला करते थे तब हमारे बाजू में, बाजू का नेट में जिसमें बोलते हैं जैसे हमारे ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल था, तब रवि शास्त्री जी का बॉलिंग किया करते थे, तो हम लोग उनके वो हम लोग को प्रैक्टिस देते थे हम लोग को, और हम उन लोगों को बोलते हैं ना चौपाटी में टिकली मारते थे। तो मगर उनका नसीब ऐसा था कि सुनील गावस्कर जी जब 1971 में लगता है जब न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में कुछ मैच चल रहा था, कोई इंजरी हो गया था, तभी गावस्कर जी ने उनको अचानक उनको बुला लिया था। तो एक ऐसा रहता है कि किसी किसी का नसीब रहता है, किसी कोई गॉड फादर रहता है तो किसी का नसीब चमक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुझे सौभाग्य मिला, जैसे कुछ फास्ट बॉलर सलील अंकोला जो भी टीवी स्टार बन गया बेचारे, क्रिकेट में कुछ कर नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, तो जैसे सलील अंकोला है, जीतू ठाकरे वगैरह थे, तो ये कुछ जैसे विनोद कामली जैसे कैसे लेफ्टी बैट्समैन है, वैसे ही जितेंद्र करके ठाकरे थे, तो ऐसे बहुत जनों के साथ खेलने का मौका मिला। इनफैक्ट मांद्रेकर हमारे सीनियर थे, तो वो हमारे अच्छे दोस्त भी थे, उनके साथ हम लोग नेट में प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे याद है जब मैं कोई कंपनी में नौकरी के लिए जब ज्वाइन किया था तो हमारा ऑफिस का उद्घाटन करना था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो वो आए थे हमारे पास, जो भी हमारे जान पहचान थी हमारे। तो क्रिकेट के कारण बहुतों का बहुत जो टैलेंटेड लोग हैं जो भी आप देख रहे हैं आईपीएल वगैरह में, अभी मुझे मेरे दिन याद आते हैं जब हम लोग चौपाटी में जो ग्राउंड हुआ करते थे, आप लोग तो टेनिस बॉल से खेल रहे हो मगर हम लोग तभी भी सीजन से खेलते थे, और यही एक ग्राउंड में बहुत सारी टीम्स आती थी और इसका बॉल किधर से आता है कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत बार सर टूटवाया है, पाँव टूटवाया है, किसी का दांत टूटवा दिया है, क्योंकि स्टंप्स इतने लगे रहते हैं और टीम इतनी थी, कौन किसका बॉल किसने डाल रहा है, वो कैच किसका उड़ रहा है, किसको कुछ मालूम था, बॉल उठा खाली नाम लिया किसने जाके पकड़ने का, बस इतना ही मालूम था। उधर बहुत बहुत क्राउड हुआ करता था, जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी 4-5 स्टंप लगे हुए हैं जब भी टूर्नामेंट कर रहे, मगर उस समय वो ग्राउंड खचाखच भरा रहता था और उसी में मैचेस भी हुआ करते थे, उसी में क्या होता था हमको कुछ मालूम नहीं, कभी कभी तो हम लोग गलती से दूसरे का कैच भी जाके पकड़ लेते थे हम। तो ऐसे सिचुएशन था उधर जो बहुत क्रेज है जो गिरगांव चौपाटी है। तो अभी फिलहाल अभी ऐसा हो गया कि गिरगांव से जब हम लोग बाहर निकले ऐसे ग्राउंड कहीं पे दिखाई नहीं दिए हम लोग को,
हम मैं इधर देख के बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे कई जगह पे जो पब्लिक ग्राउंड्स हैं यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं पे देखा वॉलीबॉल जैसे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये बच्चे लोग देख रहे हैं। हमारे बच्चे अभी क्या हो गया, अभी वो लोग अपने घर में जाते हैं टीवी और कंप्यूटर गेम को कुछ देखते नहीं। तो ये जो आउटडोर गेम्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो हमारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। अगर जो इधर छोटे छोटे बच्चे हैं उनका एक्टिविटी देख के, जो आउटडोर एक्टिविटी बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे लोगों को। क्रिकेट ही ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसमें जो बच्चे लोग आ सकते हैं। एक सीटी बजा, हम लोग गिरगांव में देते थे, एक सीटी बजा तो 22-25 जन आ जाते थे, तो टीम कितने जनों की बनाने की समझ में नहीं आता था हम लोगों को। उस समय भी बॉक्स क्रिकेट, ये लिमिटेड ओवर, ये बहुत चला करते थे गिरगांव एरिया में। हम लोगों को याद, हम लोग नाला सोपारा में विरार में गोविंदा के, एक बार गोविंदा जिधर रहता है विरार में, उनके खेतों के बाजू उनके एक टूर्नामेंट था, तो उधर खेतों में जाके भी हम लोग टूर्नामेंट हम लोग खेल के आए हैं। तो वो दिन जब याद आते हैं तो मुझे अभी इधर देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इधर भी क्रिकेट का जो क्रेज़ है, IPL चल रहा है तो अभी और ज़्यादा क्रेज़ है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे खेलें, टैलेंटेड लोग जितने हैं, टैलेंटेड छोटे बच्चे हैं जो जिनका जो भी बच्चों से बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, मगर कुछ को एक्टिविटी है जैसे क्रिकेट वगैरह, लें और उसका आनंद लें छोटे बच्चे, और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, कहीं ना कहीं पर उनका टैलेंट जरूर रिकग्नाइज होगा। जिस दिन रिकग्नाइज होगा आपके, आप खुद खुश होंगे, आपके आजू बाजू वाले और आपके घर वाले भी बहुत धन्य हो जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो एसोसिएशन है इधर, विचारे ग्रुप कंपनी जो है हम लोग, ये तो शुरुआत है, अगले साल आप लोग की सहकार्य से अपने को जो सपोर्ट मिलेगा, अगर हम लोग को इधर डेवलपमेंट का काम मिलेगा, तो हम जरूर ज़रूर अगले साल नहीं, इसके और 10-12 साल 20 साल जब भी इधर हम लोग हैं इधर, जब तक तब तक हमारा सपोर्ट आप लोगों को रहेगा। आप लोगों को, सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं, खास करके छोटे बच्चों को जो बहुत इंटरेस्ट लेके सुबह से दिन भर धूप में खड़े खेल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के शुभ दिन पर जो ये बात हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अलग अलग मंडलों की हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे से जो बने, हम लोग का जो सपोर्ट, जितने भी ताकत होगी हम जरूर करेंगे। मुझे बुलाने के लिए, विचारे ग्रुप की तरफ से बुलाने के लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद रघु यादव साहब। ये थे विचारे ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ के ऑफिस के मैनेजिंग सदस्य। और मैं चाहूँगा कि संदीप जी, राजेश भाई कुछ बोले। ये बोलते नहीं है, मैदान में जाते बोलते हैं, अपना मार्गदर्शन बच्चों को देते हैं। यहाँ के एंकर है संदीप जी, उनको आग्रह किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से। हाँ, मैचलेस की अच्छी टीम है उनकी, काफी देर तक सदस्य रहे और ये मैदान में काफी बार प्राइज जीत चुके हैं संदीप जी, बहुत ज्यादा अनुभव सक्रिय साहब। और उनके साथी राजेश भाई, राकेश भाई, सॉरी राकेश शर्मा, वो भी ह्यूमैनिटी की सदस्य है, तो उनको भी मैं विनती करूंगा कि थोड़ी दो शब्द बोले। नहीं तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, प्राइज डिसीजन की ओर मुड़ते हैं। अब अगला प्राइज डिसीजन का कार्यक्रम पार पड़ेंगे। थोड़ा बेहद बच्चे वितरण समारंभ शुरू है। सर्वात पहला IPL मध्ये जसं आहे सिक्सर लोकांना पहिला बोलवलं जातं, तसं मी आजच्या मैदानात जेवढे सिक्स लागले त्या सर्वांना विजेत्यांना बोलवतोय। शादा, राजीपवार आणि बंड्या, बंड्या, राजीपवार आणि शादा, शादाब, राजीव पवार यांनी आणि बंड्या या तिघांनी या मैदानात सिक्स मारले, 101 रुपयाचं पारितोषिक जिंकलेलं आहे प्रत्येक सिक्सला। तसंच कार्बन कवाल के असतो
आता उत्कृष्ट फलंदाज परत एक शादाब यांना विनंती की त्यांनी इथे उत्कृष्ट फलंदाज रवि जाधव यांच्या हस्ते मार्गदर्शित उत्कृष्ट फलंदाजाचा शादाब यांना त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज दिनेश इलेवन यांच्यातर्फे पप्पू दिनेश इलेवन चे पप्पू इथे गैरहजर आहेत त्यांच्या हस्ते मार्गदर्शित घेतील मनोज यांच्या हस्ते दिनेश इलेवन चे पप्पू यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली तसेच उत्कृष्ट कार्बन कमाल कॅच आमचे चिपकेस हेच विजेते आहेत राकेश शर्मा यांनी सुरेख कॅच घेतलेली गोवर राज यांच्यासाठी राकेश शर्मा यांच्यासाठी रवी जाधव यांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात येईल बाजू व्हिडिओ आता ज्याची उत्सुकता आहे पहिला रनर अप सेकंड प्राइज जाते संजय इलेवन यांच्या कर्णधाराला विनंती की त्यांनी येथे उपस्थित आहे संजय इलेवन च्या कर्णधाराला विनंती त्यांना मला वाटतं फक्त ट्रॉफी हवी आहे कॅश प्राइज नको वाटत आणि ज्याची उत्सुकता आहे विनर अमर इलेवन मी मंचावर सगळ्यांना कर्णधार अमन सर्वांनी मिळून बक्षीस द्यावे अमर इलेवनचे कर्णधार सर्व टीम ला विनंती की त्यांनी पण उपस्थित राहावे सर्व टीम ला विनंती